डॉक्टर मिश्रा, ये पहला अवसर है जब अन्यथा अभी तक अयोध्या ही सोलो उसमें रहती थी भूमिका में, राजनीति में पिछले 3 दशकों से। ये पहला चुनावी अवसर है जब मैं देख रहा हूं कि समानांतर काशी और मथुरा भी जेरे बहस है, चर्चा में है और नेपथ्य से अब मुख्य मंच पर है राजनीति के। इसका चुनाव में कितना असर देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये अमिताभ जी कि जहां तक काशी का प्रश्न है तो आपको हमको सबको ये ज्ञात है कि ये हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है, सप्तपुरियों में से एक है जी। रही बात अयोध्या की, तो वो हमारे आस्था का केंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्मस्थल है। और रही बात मथुरा की जी, तो श्री कृष्ण जी प्रभु विष्णु जी के 29 अवतारों में से एक हैं। कहने का मतलब ये है अमिताभ जी कि ये हमारी आस्था है, ये हमारे लिए कभी राजनीति के विषय नहीं रहे, ये हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं। और अमिताभ जी ये इतिहास है, इतिहास हमें इसी बात का ज्ञान देता है, यही हमें बताता है कि जो व्यक्ति जो संस्था अपने इतिहास को भूल जाता है, अपनी परंपरा को भूल जाता है, इतिहास उसको भूल जाता है जी। इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने एक विशेष कर एक नीति चलाई है, वो नीति ये रही कि हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हमारे आस्थाओं पर कुठाराघात होता रहा और दूसरी तरफ तुष्टिकरण की राजनीति पुष्पित और पल्लवित होती रही। आप जरा देखिए अमिताभ जी, जी ये पहली बार आप देख रहे होंगे कि अब चुनाव के मौसम में ये जो तथा कथित सो काल अपने आप को चुनावी जी महासमर के योद्धा मान रहे हैं, वो द्वारे द्वारे मंदिर जा रहे हैं। कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अमिताभ जी यह नैरेटिव सेट कर दिया है कि आपको भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। ठीक है विशाल जी, अयोध्या से आपकी पार्टी एक घटनाक्रम में सीधे जुड़ती है जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, और भाजपा उस घटनाक्रम को स्वाभाविक है कभी भूलने की स्थिति में नहीं आने देगी उस गोलीकांड को, तो इसलिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है इंपैक्ट आप पर पड़ेगा इस तरह का। इसका काउंटर कैसे करेंगे? अब ये मत कह दीजिए कि हम तो विकास की राजनीति करते हैं, ना ये कहेंगे तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जी नहीं, मामला कहीं नहीं गड़बड़ जी। मैं तो एक बात कहता हूं, धर्म आस्था का विषय है, इसमें कोई तर्क नहीं। धर्म व्यक्तिगत विषय है जो प्रत्येक व्यक्ति आत्मसात करता है। भगवत श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत जो श्लोक उन्होंने दिया मानवता के लिए, उसमें उन्होंने धर्म की को परिभाषित कर दिया। उन्होंने कहा इति श्रेष्ठम धर्माधारयति, जो श्रेष्ठ है वही धर्म है और वही धारण करना चाहिए जी। तो अर्जुन जी ने पूछा था कि भगवत बतावें कि श्रेष्ठ क्या है, तो उन्होंने कहा मनुजता की सेवा और धर्म की स्थापना। धर्म का मतलब किसी संप्रदाय से नहीं था, क्योंकि धर्म अगर उस पर विषय पर जाएं तो सब कुछ उसमें समाहित है। कपीश बाबू, ये भाषा, ये शैली मुरारी बापू के लिए हम लोग छोड़े, राजनेताओं को जनता आपको मानेगा इन सब बातों का मतलब है आप लोगों के लिए? कहां की बात कह रहे हो? ये मुरारी बापू के लिए छोड़ो, अब ये बात आप लोग मत कहो, या थोड़ा बहुत विशाल मिश्रा के लिए छोड़ दो, वो अभी पार्टी में नहीं ज्वाइन किए ऑफिशियली। नहीं विशाल मिश्रा जी पार्टी ज्वाइन किए हुए, पार्टी में अभी नहीं किए इसलिए थोड़ा बहुत बोल सकते, बाकी तो सीधी बात करो। दो दो चार वाली भाई कहां घुमा रहे हो? कृष्ण ने क्या कहा, उससे बड़े उदाहरण मैं दे सकता हूँ। घुमाना नहीं है, मैं वेद पुराण स्मृति सब बात दूंगा, घुमाना नहीं है, क्या लाभ होगा? सुन ले, घुमाना नहीं है, हम लोकतंत्र में चल रहे हैं ना, देश संविधान से चलेगा कि नहीं चलेगा? तो
अरे भाई मूलभूत आवश्यकताओं से व्यक्ति चलता है। पूजा और आस्था का विषय व्यक्ति का अपना होता है और हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता कहा गया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति धर्म सापेक्ष होगा, उसको अपने धर्म की मानने की आजादी है। लेकिन सरकार जो है वो पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देगी, किसी विशेष धर्म को पल्लवित पुष्पित नहीं करेगी। ठीक ठीक है, यही संविधान है जी। ठीक है कपीश जी, जी बिल्कुल यही संविधान है। मैं एक बात कहता हूँ अमिताभ जी, ठीक, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे सीखता हूं इसलिए सीखता हूं कि आप अनुकरणीय हैं। लेकिन मुझे आप बताइए, जब देश संविधान से चलता है, सरकारें हमारे संविधान से बनती और बिगड़ती हैं, तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? हमारी बेरोजगारी पे सोच होनी चाहिए, हमारी महंगाई पे सोच होनी चाहिए, देश के नाम पर होनी चाहिए, शिक्षा चिकित्सा पे होनी चाहिए, या ये आस्थावान चीजों पर होनी चाहिए? देश सोच रहा है। ठीक है कपीर जी, ठीक है ठीक है, मैं इस बहस को खूंटे से बांधने के लिए एक मिनट हस्तक्षेप करूंगा, फिर आप लोग पास जाऊंगा, क्योंकि आप लोग खूंटा तुरंत तोड़ देते हैं। मतलब मुरारी बापू सुने तो वो कहें कि भाई राजनेता तो हमसे बड़े प्रवचनकार हैं, हम क्या प्रवचन देंगे। मैं उसको थोड़ा प्रैक्टिकल कर दूं, जो मैंने 35 साल में देखा था, प्रैक्टिकल कर दूं, खोल दूं पढ़ते काय को चादर पड़ा रहे, सबके चेहरे उसमें दिख जाएंगे, कांग्रेस के भी, भाजपा के भी और सपा का भी। सत्यपाल सिंह यादव केंद्र में मंत्री रहे, बड़े नेता थे एक दौर में उत्तर प्रदेश के, वो हमसे एक बार कहे कि अग्निहोत्री जी हैं, ये अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम, ये ट्रांसफार्मर है। मैंने कैसे बोले, आप पता नहीं मुलायम सिंह कल्याण सिंह 20 साल इसी से अपनी अपनी बत्ती जलाते रहे। वो कहते थे परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो बोले कल्याण सिंह बयान देते थे कि हम गिरा के दिखाएंगे। बोले दोनों को ताकत मिलती थी, दोनों ध्रुवीकरण कर रहे थे, इसलिए भाषण से कोई लाभ नहीं, हम सब जानते और जनता हमसे ज्यादा जानती। एक दूसरा, इन्होंने इस लिखत पढ़त में पालमपुर में कह दिया बीजेपी वालों ने कि हम अयोध्या में सीधे जाएंगे, तो आस्था और ये सब दुनिया का उसकी तो जरूरत नहीं ना भाषण की, कि गीता में क्या लिखा है, भागवत क्या कह रही है, और मनुस्मृति क्या कह रही है, और वेद पुराण ये सब छोड़ दीजिए, सीधी बात करिए हिंदी में सरल भाषा में कि हाँ जी हम आए, हम इसका लाभ लेना चाहते हैं। ठीक बात है। आपने क्या किया, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जितने कर्ता धर्ता पहरुआ थे, वही लोग आपकी सपा में मुख्तार थे, मालिक मुख्तार बने, नहीं बने क्या? इसीलिए तो बने क्योंकि वो बाबरी मस्जिद कमेटी में बड़ी हैसियत के लोग थे, चाहे जफर याब जिलानी हो, चाहे आजम खान हो। ये ना बताओ कड़वा कड़वा तू वो मीठा मीठा गपना, और क्यों देते? इसलिए मेरी बहस में भाई कृपा करके सीधी सीधी बात करना सब लोग कि हाँ वोट का खेल है, इसको खेलना है, कैसे खेलना है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। ठीक कौशल कांत जी, मुझे लगता है कि अब हम लोग न्यूनतम ईमानदारी का पालन तो करेंगे ही, कम से कम मैक्सिमम तो नहीं लेकिन मिनिमम ईमानदारी दिखाएंगे ताकि जनता को थोड़ा अच्छा लगे। आप अभी तक अयोध्या को सामने रखते थे और अब अयोध्या से बड़ा जलसा बनारस में होने जा रहा है। जब 13 तारीख को इस समय हम लोग बैठेंगे, तब तक देश एक सबसे बड़े, अब तक के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम को देख चुका होगा। भारत ने इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम नहीं देखा, और एक महीना चलेगा, नवदुर्गा भी 9 दिन की होती है, एक महीना चलेगा कार्यक्रम, है ना, काशी में बम बम, और फिर मथुरा का ही मामला, मुख्यमंत्री जी ने कहा एक और कार सेवा होगी। आपने भाई तय कर लिया कि ये तीन स्थान, ये तीन देव मूर्तियां आपकी सरकार बनेगी। हाँ भाई कौशल कांत जी, अमिताभ जी, जब भारत देश का विभाजन हुआ था, जो सबसे बड़ी राजनीतिक घटना मानी जा सकती शताब्दी की भारत के लिए जी, उस समय जब भारत का डिवीजन हुआ था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने, और वो डिवीजन क्लियर कट था कि जो हिंदू कल्चर, हिंदू आस्था में भरोसा करते हैं, वो सब हिंदुस्तान के साथ रहे और रह रहे हैं, उनकी हम मेरी को उनकी हिंदुस्तानियत पे कोई डाउट नहीं है। और जो भी नाम आप ले रहे हैं, काशी विश्वनाथ हुए, अयोध्या जी हुए, मथुरा हुए और बहुत सारे जगह हुए, इनके बगैर हिंदुस्तान की आत्मा ही नहीं, वो हिंदू है या मुसलमान है उसके लिए ये उतना ही सम्मान नहीं है।
नहीं वो तो सब हमको पता है, मैं आपको इसलिए बुलाया महाराज, ये जानने के लिए थोड़ी बुलाया कि आत्मा है कि नहीं, मैं जानने के लिए बोट में इसका क्या खेल है वो बताओ, वो बात करने आया, आप बता रहे हो आत्मा है, हमको नहीं पता आत्मा है, गजब बात है। बता देता हूं, जब से देश आजाद हुआ है ये ननकू को नहीं पता कि आत्मा क्या है, सबको पता आत्मा क्या है जी। जब हिंदू जब धर्म की बात होती है तो सारे राजनीतिक दलों को बड़ा दुख होता है, जब धर्म के बाद जब जातियों की बात होती है तो उस पर राजनीतिक दल बनते हैं। आप सपा का ही करेक्टर देख लीजिए, एक जाति और एक धर्म पे आधारित है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी देख लीजिए बसपा, वो एक जाति विशेष और दूसरे जाति विशेष को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को देख लीजिए, उसने हमेशा दलित की और मुसलमान की राजनीति की है, और अब जब उसका बड़ा नहीं ब्राह्मण भी रखा साथ, ब्राह्मण दलित नेहरू जी के समय कांग्रेस की स्ट्रेंथ, सुन लो कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी, गलत कोट नहीं करो, कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी ब्राह्मण दलित और मुसलमान। आज रुको, मैं सैफ खान के पास चलता हूं, एक मिनट रुको, एक मिनट, कपिल ने कहा, कपिल भाई रुको, अरे कोर्ट ने क्या कहा उससे चुनाव नहीं होता, एक मिनट रुको, अरे रुको भाई, सैफ खान के पास चलेंगे। सैफ खान साहब, उत्तर प्रदेश में को अगर मैं एक रिंग मानूं है तो दो महायोद्धा लड़ रहे हैं, क्या है, एक जो कभी योद्धा थे वो तो ठंडे पड़े, उनने कहा भाई हम घर का दरवाजे अभी 15 दिन बाद खोलेंगे, ठीक, हाथी वाले है, आप सक्रिय हैं, लेकिन ये दो लोग इतना ज्यादा अपने पर केंद्रित कर देते हैं अभियान कि उसमें कांग्रेस आइसोलेशन में खड़ी अपने को पाती है। और अब ये मामला आ गया अयोध्या मथुरा और काशी, एक अयोध्या आई थी तो सबसे ज्यादा खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा, जबकि ताला उसने खोला, लेकिन उसने इतनी नादानियां कर दी कि न शाहबानों का लाभ ले पाई, न ताला खोलने का लाभ ले पाई, जो उनके मित्रों ने बताया था राजीव जी के 100 साल शासन करोगे वो 2.5 साल भी नहीं किए। और अब भाजपा फिर उसी चीज को जीवंत कर रही है, आप कांग्रेस को कहां खड़ा पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि क्योंकि जाहिर सी बात है आप सब मंदिरों की जिक्र कर रहे हैं या हम अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं जिसका ताला खुलवाने की आपने जो है ये बात तो रखी है कि राजीव गांधी जी के टाइम पे किया गया या जो है जो मूर्ति की स्थापना की गई उन्हीं के टेन्योर के ऊपर जो है की गई, या फिर आपने ये जिक्र नहीं किया कि पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस जो है January 7, 1993 में इंटरनेशनल कांग्रेस लेके आई थी, तब भारतीय जनता पार्टी थी, SS भंडारी थे जो अपोज कर रहे थे, नहीं चाहते थे राम मंदिर का कल्याण जो है, ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और अगर सिर्फ धार्मिक स्थापना करने पे जो है अगर सिर्फ लाभ के लिए अगर हम ये सोचते तो हमने विराट रामायण मंदिर, देश का सबसे बड़ा मंदिर जो है ऑलरेडी 2012-2013 में बन चुका है, हम अपने मैनिफेस्टो में लेके आते, हम लक्ष्मण झूला का स्थापना कर चुके हैं उत्तराखंड में जो है, हम वो भी मैनिफेस्टो में लेके आते, हमें 135 फीट की मूर्ति जो है भगवान हनुमान जी की आंध्र प्रदेश में स्थापना कर चुके उसको भी मैनिफेस्टो में लेके आया, 200 से ज्यादा मंदिरों में कॉन्ट्रीब्यूशन है जी, मगर क्या ये हमारा आस्था का विषय? अच्छा, उसको वोट में कन्वर्जन करना हमें ऐसा नहीं आता जैसे ये बैठे हुए हैं इधर कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन के, कोई भारतीय जनता पार्टी के जो है जो खुद रोकने वाले, आज तक कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, आज तक कोई केस खुद नहीं लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई भी प्रतिनिधि जो है, इनफैक्ट 1400 करोड़ रुपए VHP ये कहती है कि और VHP के ऊपर इल्जाम है इस चीज का, और वो भी कि कौन कर रहा, अयोध्या में जो केस लड़ रहे थे कि 1400 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम पे लेके खा गए, और VHP कहां से निकलती है, RSS से, और BJP खुद RSS से निकली, तो यानी 1400 करोड़ रुपए का जो केस लड़ रहा था अयोध्या का वो क्लेम करते हैं उनके ऊपर कि जो है कि जो ये 1400 करोड़ रुपए और दिल्ली में भगवान राम का नाम हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आने वाली भारतीय जनता पार्टी 180 से ज्यादा मंदिरों के तोड़ने की औरत निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी ठीक है।